everyone. As I said yesterday, that we will continue with our action words today. But before that, what we will do? We will wish our birthday boy today. Yes, आज प्रिंस का बर्थडे है. हम उसको विश करेंगे. एवरीबडी इज रेडी टू विश हिम. ऑलराइट, स्टार्ट. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे डियर प्रिंस. हैप्पी बर्थडे टू यू. क्लैप क्लैप क्लैप. हैप्पी बर्थडे प्रिंस. हैप्पी बर्थडे फ्रॉम विद्यानगर फैमिली. All your classmates. Okay, now back to our action words. First, we will revise जो action words हमने कल सीखे थे, जिसकी हमने कल बात की थी. आज पहले वो action words हम revise कर लेंगे और फिर नए action words के बारे में बात करेंगे. Alright? So the first action word that we learned yesterday was eat. Then drink. उसके बाद क्या था? Sing. उसके बाद क्या था? एक गर्ल अच्छे से ग्रेसफुली डांस कर रही थी ना. So dance. Then jump on a trampoline. So jump. उसके बाद next word क्या था? याद कीजिए. याद आया? वरुण क्या कर रहा था? रनिंग कर रहा था. सो द नेक्स्ट एक्शन वर्ड वॉज रन. उसके बाद रीड. मैंने आपको बोला था ना दैट हमें हर रोज बुक रीड करनी चाहिए. इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस. सो द एक्शन वर्ड वॉज रीड. एंड लास्ट वॉज ड्रॉन. याद आ गया सबको? अच्छे से याद आ गया? ऑल राइट, नाउ वी विल लर्न एंड वी विल टॉक अबाउट सम मोर एक्शन वर्ड्स टुडे. ऑल राइट, दिस एक्शन वर्ड्स आर ऑन पेज नंबर 8 इन योर पिक्चर बुक. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट. ऑल राइट, सो अवर टुडेज एक्शन वर्ड एज आई सेड इज पेज नंबर 8. ओके, अगेन हियर इट्स मेंशन थिंग्स आई कैन डू. मतलब वो चीजें जो हम कर सकते हैं या हम हमारी डेली लाइफ में यूजुअली करते हैं. एज आई एक्सप्लेन यू यस्टरडे. सो हियर यू कैन सी सम मोर किड्स डूइंग सम मोर एक्शंस. सो वी विल लर्न, वी विल टॉक अबाउट दिस एक्शंस वन बाय वन टुडे. ऑलराइट, रेडी? ठीक है. सो द फर्स्ट वर्ड इज, द फर्स्ट एक्शन वर्ड इज सिट. सिट मतलब बैठना. कोई जगह पे आप बैठे हो तो उसको बोलते हैं सिट. यू सिट ऑन अ बेंच, राइट? सो आप बेंच पे बैठे हो. सी इन दिस पिक्चर अ बॉय कॉल्ड वरुण, ही इज सिटिंग ऑन अ चेयर. ओके, पापा मम्मी टीचर आपको बोलते हैं ना दैट वी शुड ऑलवेज सी स्ट्रेट. हमें ठीक से अच्छे से बैठना होता है. नाउ सेकेंड एक्शन वर्ड इज स्टैंड. स्टैंड मतलब खड़ा रहना. ओके, आजकल हम कोई शॉप में जाते हैं, वी विजिट अ शॉप, सो वी कैन सी कि लोग एक क्यू में खड़े होते हैं. सो वी शुड ऑल्सो स्टैंड properly in a queue. Or and most importantly nowadays, also maintain social distancing. All right, now third is cry. I don't like crying, but here a girl, her name is Neeta, she is crying very loudly. Jab aap school mein aate ho aur rote rote kehte ho कि पापा मम्मी के पास जाना है, हमें पापा मम्मी की याद आई है, तो टीचर क्या बोलती है? टीचर आपको क्या कहती है? डोंट क्राई, पापा मम्मी आपको लेने के लिए आ जाएंगे, कहते हैं ना. सो क्राई, क्राई मतलब रोना. नेक्स्ट इज लाफ.
लाफिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज. अभी तो गार्डन्स बंद है, पर जब पहले आप गार्डन में जाते थे तो आप देखते थे कि कुछ लोग एक्सरसाइज के साथ एक लाफिंग की भी एक्सरसाइज करते हैं. तो लाफिंग एक्सरसाइज से आपकी हेल्थ अच्छी होती है. एंड इन दिस बुक अ बॉय कॉल्ड आदित्य ही इज ऑल्सो लाफिंग. द नेक्स्ट पिक्चर इज अबाउट पिक. पिक मतलब क्या? कुछ लेना. हैव यू हर्ड अबाउट दिस राइम कॉल्ड बिट्स ऑफ पेपर? हाँ, तो उसमें लास्ट सेंटेंस क्या आता है? पिक देम अप. जो पीसेस ऑफ पेपर नीचे पड़े हुए हैं, व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू पिक देम अप. और वो पेपर्स क्या है? वेस्ट है, तो वी विल थ्रो इट इन द डस्टबिन. सो यहाँ पे आप एक लड़की का पिक्चर देख रहे हो. कैन यू सी दैट बॉय? व्हाट्स हिज नेम? हिज नेम इज क्या रखेंगे? प्रिंस रखें. आज इसका बर्थडे है ना. हाँ, तो प्रिंस इज पिकिंग अप द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड. ऑलराइट. और मैंने पहले बोला कि आप पिक करते हो कोई भी वेस्ट को, तो आपको उसको कहाँ डालना चाहिए? डस्टबिन में. यू शुड थ्रो इट इन द डस्टबिन. सो यस, अवर नेक्स्ट एक्शन वर्ड इज ऑल्सो थ्रो. थ्रो मतलब फेंकना. यहाँ पे एक गर्ल फ्रिस्बी खेल रही है. क्या खेल रही है? शी इज प्लेइंग द फ्रिस्बी. सो शी इज थ्रोइंग द फ्रिस्बी. ऑलराइट. सो थ्रो मतलब फेंकना. एंड वंस अगेन, हमें कचरा कहीं और डालना, यहां वहां डालना नहीं है. वी शुड ऑलवेज थ्रो द वेस्ट इन द डस्टबिन. ऑलराइट. द नेक्स्ट एक्शन वर्ड इज प्ले. प्ले मतलब खेलना, जो आप सबको बहुत अच्छा लगता है. यहाँ स्कूल में आप आते हो तो आउटडोर गेम्स प्ले करते हो, इंडोर गेम्स प्ले करते हो, खेलते हो ना. हाँ, तो उसको कहते हैं प्ले. ऑलराइट. यहाँ पे भी वन बॉय इज प्लेइंग विद द कार्स. लेट मी गेस कि जैसे बॉयज को हमेशा कार्स से अच्छा खेलना अच्छा लगता है, तो गर्ल्स को किससे खेलना अच्छा लगता है? गर्ल्स ऑलवेज लव टू प्ले विथ डॉल्स. राइट. हमेशा गर्ल्स के पास क्या होती है? डॉल्स होती है. एंड बॉयज है कार्स. ओके. एंड द लास्ट एक्शन वर्ड इज किक. किक मींस आप अगर कोई चीज पड़ी है तो अगर आप उसको पैर से फोर्सफुली किक करते हो, लात मारते हो, इट्स कॉल्ड किकिंग. हियर द गर्ल कॉल्ड बबीता, शी लव्स टू प्ले फुटबॉल. उसको फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है. सो व्हाट इज शी डूइंग? शी इज किकिंग द बॉल. वो बॉल को किक कर रही है. ऑलराइट. आया समझ में? वंस अगेन वी विल रिवाइज ऑल दिस एक्शन वर्ड्स. ऑलराइट. फर्स्ट वन वॉज सिट. सिट मतलब बैठना. सेकेंड इज स्टैंड. स्टैंड मतलब खड़ा रहना. द नेक्स्ट इज क्राई. क्राई मतलब रोना. देन लाफ. लाफ मतलब हंसना. उसके बाद है पिक. पिक मतलब कोई भी चीज अगर नीचे पड़ी हो, यू हैव टू पिक. आप उठाते हो या आपको उठाना चाहिए, सो इट्स पिक. द नेक्स्ट इज थ्रो. राइट. इन द लास्ट टू एक्शन वर्ड्स आर प्ले. प्ले मतलब खेलना. एंड किक. किक मतलब लात मारना. ऑलराइट. आई होप दैट यू हैड अ फन learning this action words. And once again, most important thing, you don't have to remember this action words. You just have to recognize them. कि कोई इंसान या कोई आपके घर में जो भी family members हैं, वो क्या action कर रहे हैं, that you should know. आपको वो recognize करना है, वो याद रखना नहीं है. I will see you soon with some more interesting topics. Till then, bye-bye.